मोबाइल फोन के चलते जमशेदपुर में जिगरी दोस्त ने ले ली दोस्त की जान। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्टा के रहने वाले विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों के पीछे मोबाइल चोरी को लेकर आपसी विवाद बताया जा रहा है। हत्यारा विशाल का जिगरी दोस्त अभिषेक लाल है, जो रानी कुदर का रहने वाला है। हत्या को अंजाम देने के बाद अभिषेक फरार हो गया। घटना के संबंध में मौके पर पहुंचे बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने बताया कि बीते रात अभिषेक का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसको लेकर उसको अपने ही जिगरी दोस्त विशाल पर शक था। आज सुबह 10 बजे वह पिस्टल लेकर विशाल के रामदास भट्टा स्थित घर पहुंचा और अपना मोबाइल मांगा। विशाल के चोरी से इनकार करने पर उसने मोबाइल देने नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दी। उस वक्त विशाल के पिता भी घर में थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। इसके बाद फिर शाम 7 बजे पहुंचा और विशाल को आवाज़ दी, लेकिन विशाल नहीं निकला। फिर रात को 8 बजे अभिषेक विशाल के घर पहुंचा और उसे रामदास भट्टा और रानी कुदर से सटे नाला के पास एक सुनसान इलाके में ले गया और सीने में गोली मार दी। घटना के बाद अभिषेक फरार हो गया। वहीं बस्ती के ही एक युवक ने परिजनों को खबर दी, जिसके बाद परिजन और पुलिस पहुंची। अचेत पड़े विशाल को TMH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों गहरे दोस्त थे, दोनों के पिता भी दोस्त हैं। नाला के इस पार रामदास भट्टा में विशाल और नाला के उस पार रानी कुदर में अभिषेक लाल का घर है। वहीं थाना प्रभारी ने मोबाइल चोरी के संदर्भ पूछने पर बताया कि मृतक के परिजनों ने चोरी के आरोप से इनकार किया है। घटना के संबंध में CCR DSP ने बताया कि दोनों ही युवक नशे के आदि थे। वहीं हत्या का आरोपी अभिषेक पहले भी मुकदमा थाना के एक मामले में आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। कल रात में लोग दोनों जन अपना कहीं घूमने में गया था और घूम के वो अपना घर चल गया था। मेरे लड़का विशाल प्रसाद अपने घर चले आया था। सवेरे वो मारने वाले जो लड़का है, वो लड़का ने सुबह आया और आके बोल रहे कि मेरा मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल अगर लिया है तो दे दो, नहीं तो गोली मार दे। घूमने कहाँ गए थे लोग? अब इधर ही अगल बगल कहीं घूम रहे थे सर। क्या नाम था उसका? अभिषेक वो लड़का का नाम है। सवेरे जब वो बोलने के लिए घर आया, करीब घर समय टाइम हो रहा था 10:30 बजे, हम मेरी पत्नी नाश्ता करके उठी थे, वो और एक शाहरुख बोल के लड़का है शाहरुख खान, वो दोनों जन घर के अंदर हड़बड़ा के अंदर आ गए। आज क्या हो बाबू? बोले कि मेरा मोबाइल ऐसा ऐसा हो गया है, अगर लिया तो दे देने, बोलिए नहीं तो गोली मार देंगे उसको। उन्होंने बोला अरे दोस्ती यारी में ऐसा बात कर रहे हम तो करे। उसके हाथ पे एक पिस्टल था, ऑटोमेटिक हमको लग रहा पिस्टल था वो, और कारतूस भी करीब 10-12 पीस के लगभग में उसके हाथ में वो दिखाया मुझे और मेरी पत्नी को भी। बोला अगर नहीं देंगे तो हम लोग इनको शाम तक का मार देंगे। फोन करके भी धमकी उनकी दिया और फोन करके वो करीब 7-8 बार धमकी भी दिए और निकलने का उनका इंतजार किया। हमने 2 बजे ड्यूटी चले गए, जब 9 बजे ड्यूटी से घर आए, वो आने के बाद किसी ने बताया घर पर कि हमारे लड़का विशाल मैदान पर गिरा हुआ है। हम और मेरे वाइफ ने जाकर देखा तो नहीं दिखा। फिर एक जन बताया कि फलाना निशा टावर के बगल में दीवार जो है उसके बगल में गिरा पड़ा हुआ है। हम लोग जब गए जाकर देखे, देख रहे कि उनका मतलब सांस नहीं चल रहा और हाथ पांव भी एकदम हिल नहीं रहा, कुछ नहीं एकदम। तो हम लोग तुरंत टेम्पू लेकर उनको लेकर हॉस्पिटल गए, टाटा मैन हॉस्पिटल में ले जाने के बाद इमरजेंसी में डॉक्टर ने चेक करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। करते क्या था बेटा आपका? अभी वो पढ़ाई करके ग्रेजुएशन कंप्लीट किए थे वो। अच्छा। और आर्मी का वो रनिंग करते थे, ट्रेनिंग कर रहा था अपना, प्रैक्टिस कर रहे थे कि आर्मी में जाएंगे बोल के। जो गोली मार रहने वाला कहाँ का है? जो गोली मारे वो रानी कुदर के रहने वाला है। क्या करता है? पिताजी का नाम ईश्वर लाल। क्या करता है? कपड़े दुकान में काम करता है। और लड़का जो है कि कुछ नहीं करता, लफागिरी में घूमते रहता है। अच्छा। आपका लड़का का एज कितना है? 27। आप क्या करते हैं? हम आपका मेयर भाई टाटा मेयर भाई हॉस्पिटल में गार्ड का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महावीर प्रसाद है, इधर रामदास भट्टा दर्जी लेन रामदास। 10 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिला कि रामदास भट्टा के पास गोलीबारी हुई है
जिसमें एक लड़का जख्मी है जिसको TMH ले गया गया। TMH जब गए तो मृतक जो था वो विशाल नाम है, उसके परिजन के द्वारा बताया गया कि इसको अभिषेक लाल जो न्यू रानी कुदर का है उसके द्वारा गोली मार दिया गया है। हम लोग घटना स्थल पर पहुंचे, अगल बगल से ज्ञात हुआ कि मृतक और एक्यूज दोनों जिगरी दोस्त हैं और मोबाइल खोने से संबंधित विवाद को लेकर ये लोग के आपस में मनमुटाव हुआ और जिसके चलते ये घटना हुआ। अभिषेक को ये शक था कि विशाल उसका मोबाइल ले लिया है, इसको लेके आज सुबह में 10 बजे अभिषेक विशाल के घर के गया और इस बात को लेके वो चर्चा चलाया और पिस्तौल भी दिखाया उसके परिजन लोगों सबको कि दे दो, नहीं तो इस पिस्तौल से हम घटना का बुरा अंजाम दे देंगे। उसी विवाद को लेके ये घटना करीब 8:30 बजे हुआ है। अभिषेक विशाल को घर से लेके नाला के बगल में ले आके एक गोली सीना में मार दिया जिससे उसकी मृत्यु घटना से हुई। हम लोग छापामारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। मृतक करता क्या था? मृतक कुछ नहीं करता था। कितना उम्र होगा उनका? मृतक का उम्र 25 साल और अभियुक्त का भी उम्र 24-25 साल है। और भी उसके साथ कोई मृतक क्या? अभी इसी के बारे में बताया गया है कि वही घर से अकेले ले गया था रात्रि में, बाकी अनुसंधान में जो नाम आएगा उसको हम लोग विस्तार करेंगे।